नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मिट्टी के अखाड़े में। जो ये मिट्टी का अखाड़ा है और जो ये मिट्टी है, इसको आप मामूली मिट्टी ना माने। जो अखाड़े की मिट्टी होती है, उसकी भी डाइट एक पहलवान जैसी ही होती है। जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी में सरसों का तेल, घी, दही, मुल्तानी, हल्दी, मेहंदी, बादामों का जो बुरुदा होता है, वो बहुत सी चीज़ें अखाड़े की मिट्टी में डालकर मिट्टी को एक पहलवान की तरह ही सजाया जाता है और बनाया जाता है। इस पे भी ऐसी ही मेहनत होती है। ये चीज़ मैं इसलिए आज आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारी भारतीय कुश्ती है, वो मिट्टी से स्टार्ट हुई थी और मिट्टी में आज भी अनेकों जगह दंगल होते हैं मिट्टी के। तो इसलिए आज मैं मिट्टी की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। और इस मिट्टी में भी मेहनत करने के अलग अलग तरीके हैं जो हमारे पहलवानों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। जैसे कि अखाड़े में मैज घुमाना, और वो भी अलग अलग तरीके से। अभी जिस तरीके से आपने मुझे देखा कि एक बार सामने से एक राउंड बैक पर चलते हुए, बैक वॉकिंग जॉगिंग करते हुए, पहले आप वॉकिंग से स्टार्ट करें फिर जॉगिंग से स्टार्ट करें। इसमें आपके दो फायदे हैं। एक तो आपका जो स्टेमिना है वो बहुत बढ़ेगा, आपकी जो अटैक करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ेगी, और साथ साथ आपकी पैरों में बहुत मजबूती आएगी। जब मैं भी कोई टूर्नामेंट की तैयारी करता हूँ तो मैं मिट्टी और मैट का कम्बिनेशन लेके ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि मिट्टी में ट्रेनिंग करने का मज़ा अलग है। एक तो क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें इसमें पड़ी हैं, उसमें आप ट्रेनिंग करते हो तो बड़ी सुगंध आती है मिट्टी के अखाड़े में ट्रेनिंग करते हो, उससे भी आपकी एनर्जी बढ़ती है। इन चीज़ों से, जैसे चीज़ें आप खाते हो और जैसे शरीर पर लगाते हो, तो उससे एनर्जी बढ़ती है आप लोगों की। इसलिए मिट्टी के अखाड़े में भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और मैं बता रहा था कि मैच घुमाने के इतने बड़े अच्छे कारगर साबित होंगी जो ये ट्रेनिंग है, कि आप मैज को घुमाते हैं और मैज से रनिंग करते हैं तो आपके पैरों में बहुत मजबूती आएगी और आपका जो ओपोनेंट है आपके पैर को उखाड़ नहीं पाएगा, और पैर नहीं उखड़ेगा तो खुद ही ओपोनेंट को आप हरा लोगे, क्योंकि ज़्यादातर अटैक हमारे पैरों से होते हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि मिट्टी में भी ट्रेनिंग ज़रूर करें और मैट पे भी करें, क्योंकि मैट पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ओलंपिक चैंपियन बनना है, ओलंपिक का गोल्ड जीतना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीतना है, तो हमें मैट पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो मैट पे भी ट्रेनिंग करें और मिट्टी में भी ट्रेनिंग करें, कम्बिनेशन लेके आप चलेंगे तो आप खुद ही खुद तगड़ा महसूस करेंगे अपने आप को। और मैं इसलिए आपको ये ट्रेनिंग करा रहा हूँ, अभी कभी मैच घुमाता हूँ, कभी रस्सा करवाता हूँ, कभी बैठ के लगाता हूँ, कभी चिनिप्स कराता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम मैट की टेक्निकों पे आने वाले हैं, दाव पे आने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं दाव बताऊँ तो मेरे जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं कि आप वो टेक्निक बिल्कुल प्रॉपर लगाएं, और आपको भी वो प्रॉपर टेक्निक लगा कर मज़ा आएगा, दाव सीखने में मज़ा आएगा, तो जल्दी ही आप लोग फिट हो जाएं, फिर जल्दी ही हम मैट पे टेक्निक शुरू करते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें आप, अगली वीडियो में और एक अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा। नमस्ते दोस्तों।